बीते दिन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट ने मनीमाजरा के इंदिरा कॉलोनी में मकान तोड़ दिए थे, तो वहीं स्थानीय निवासी व भाजपा नेताओं ने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उसके कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद भाजपा नेताओं ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के बाहर धरना दे दिया था, पर यह धरना आज भी जारी रहा। भाजपा नेता व वार्ड 26 के पार्षद विनोद अग्रवाल ने कहा, जो कल चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने मनीमाजरा के इंदिरा कॉलोनी में जो घर तोड़े हैं उसकी कड़ी निंदा करते हैं। पार्षद विनोद अग्रवाल ने हाउसिंग बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग मकान बनाने के भी पैसे लेते हैं और मकान तोड़ने के भी। इंदिरा कॉलोनी में 25 गज के मकान में अगर कोई पेंट करवाता है या रिपेयरिंग करवाता है तो उसको भी हाउसिंग बोर्ड नोटिस भेज देते हैं। जब तक हाउसिंग बोर्ड गरीब लोगों को नोटिस देना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से अवैध निर्माणों पर एक ड्राइव चलाई जा रही है। वहीं चंडीगढ़ के इंदिरा कॉलोनी में कल हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कुछ मकान तोड़े गए, तो वहीं भाजपा नेताओं ने इसका विरोध किया तो भाजपा नेताओं को ही हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद भाजपा नेता लगातार कल से आज यहां पर प्रदर्शन पर हैं। रामवीर भट्टी जी क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी हैं, पार्षद है एरिया के वहाँ पर। तो विनोद जी आज कल हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने इंदिरा कॉलोनी के मकानों को तोड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा हाउसिंग बोर्ड क्यों कर रहा है? ये मकान बनवाने के भी पैसे लेते हैं और मकान को तोड़ने के भी पैसे लेते हैं। जब मकान बन रहा होता है तो उससे जाके पैसे ले लेते हैं, वो मकान बना लेता है, उसके बाद उसको तोड़ने का काम शुरू करते हैं। ये वहाँ की जनता के साथ, चंडीगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार उन पर हो रहा है। हमारे 25-25 गज के मकान हैं कॉलोनियों के, EWS कॉलोनियों के, छोटे छोटे मकानों के अंदर अगर कोई मामूली अपना काम भी करते हैं, कोई पेंट करवाता है, कोई उसकी रिपेयर करवाता है, तो उसके नाम पर वो उनसे पैसे वसूलते हैं। जो आदमी पैसा नहीं देता उसको कहते हैं कि आपने ये नया बनाया, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा हमारी चंडीगढ़ की गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार अब हम सहन नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, जो इंस्पेक्टर एनफोर्समेंट के हैं या और जो भी हैं जिन्होंने जिनकी ड्यूटियां हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या जितनी उनकी तनख्वाह है, जितनी उनको सरकार पैसे दे रही है, उससे ज़्यादा कि उनके पास जो आमदनी है वो कहाँ से आई, वो इन्हीं माध्यमों से आती है, इन्हीं सिस्टम से आती है। तो इससे पहले भी 5 साल पहले 10 साल पहले ये सब मकान बने हुए हैं, उन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं जो पुराने भी बने हुए हैं, और अभी कुछ लोग नए मकान बना रहे हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो मैं मांग करता हूँ कि ये जो नोटिस बेकार में बगैर बात के जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, वो निरस्त होने चाहिए, और कोई भी हाउसिंग बोर्ड का अधिकारी ऐसी तोड़फोड़ की कार्रवाई ना करे जिससे गरीब जनता को दुख पहुंचे। सीनियर नेता सतेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, सर क्या कहना चाहेंगे हाउसिंग बोर्ड की इस कार्रवाई के लिए? कुछ अफसर जो चंडीगढ़ प्रशासन में हैं जो लोगों की बात भी नहीं सुनते और नुकसान करना चाहते हैं पब्लिक का, इस सर्दी में किसी का घर तोड़ना वैसे ही पाप माना गया है। आप एक तरफ तो रैन बसेरा हम दे रहे हैं सब जगह सर्दी के कारण, तो रैन बसेरा दे रहे हैं, आपको एक समय देना चाहिए। अगर आपने खाली भी कराना है मार्च अप्रैल के बाद, आप देखिए अब सर्दी में, इतनी सर्दी में आप ये काम करोगे वैसे ही मानवता के खिलाफ है। कुछ अफसर जो हैं, कुछ बेवकूफ़ तरह के अफसर होते हैं, वो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। कुछ बेवकूफ़ तरह अफसर सही देखने को मिल रही है, अगर बात की जाए थानों में या कहीं और भी, भाजपा नेताओं की नहीं सुनी जा रही है। हाँ, उस अफसर सही के ऊपर लगाम लगा रहे हैं, क्योंकि सारे अपने हमारे जो लीडर हैं सारे वो लगे हुए इस काम में। कुछ ऐसे क्योंकि चंडीगढ़ का जो करेक्टर है यूटी होने के कारण कई बार ऐसे अफसर आ जाते हैं जो दिक्कत करते हैं, तो उन दिक्कतों उन्हीं को ठीक करने के लिए सारे हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो नोटिस भेज रहे हैं, अगर ये भेजना बंद नहीं करेंगे तो आपका आंदोलन जारी रहेगा या फिर क्या? नहीं, इसमें आंदोलन वाली तो बात जो मुझे लगता है वो विनोद जी वगैरह बैठ के सारा तय करने वाले हैं, परंतु मुझे लगता है भी अल्टीमेटली ये बात हमारा एक रोष है, जो कॉलोनी के लोगों का लोग रोष है, वो आज विनोद जी के द्वारा, विनोद जी के बाकी माध्यम, रामवीर भट्टी जी बैठे हैं, पठानी जी बैठे हैं, ये एक प्रकट हो रहा है, तो मुझे लगता है बात तो रिजॉल्व हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे जो हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कार्रवाई के लिए? हाउसिंग बोर्ड का मैं भुगत भोगी हूँ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं काम देखता रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से हमारी ये मांग रही है कि जिन लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़े बदल किए उसको रेगुलराइज किया जाए, और
उसके लिए भी हम ये नहीं कह रहे कि तुम फ्री में कर दो, तुम्हारी जो पेनल्टी अगर जो बनती है पेनल्टी लगा के उसको कर दो। बंदे ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से नीड बेस चेंज जिसको हम बोलते हैं वो किया है, तो उसको आप रेगुलराइज कर दो, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, दिल्ली मॉडल एक जो हुआ है, दिल्ली मॉडल में ये हुआ है कि सरकार ने जो जैसे था जहाँ पे था उसको पास कर दिया, उसमें कोई पेनल्टी ली नहीं, उसको उसी बेस पे हमने वो ब्लूप्रिंट उठा के इनको दिया है कि जो जो हुआ है आप वो पॉलिसी, वो भी यूटी है, उस यूटी में जो हुआ है उस यूटी, ये भी यूटी आप इसको कर सकते हैं, पर अफसरों के कान पे जू नहीं रेंग रही, जिसकी करके आज हमें आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अरोड़ा जी की भाजपा नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, अफसरशाही ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाँ, अफसरशाही है, बिल्कुल ठीक है, अफसरशाही तो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर अफसरशाही को ये समझ आना चाहिए कि आप 3 साल के लिए हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा देर इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको सेंटर की पॉलिसी से ही चलना पड़ेगा, और उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि ऊपर से इनको दबाव बनेगा, इनको चलना ही पड़ेगा। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।